पार्किंग लाइट लगा है पूरा ग्रीन ग्रीन, राइट साइड में ग्रीन लग रहा है और लेफ्ट साइड में रेड, ये बैक में भी लग रहा है, वो ऊपर में ग्रीन ग्रीन रहेगा, नीचे रेड रेड रहेगा। ड्राइवर भाई से निवेदन है, जब भी गाड़ी अब साउथ में ले जाए ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, उधर तो उधर भाई गाड़ी में आपका लाइट परफेक्ट होना चाहिए, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, क्यों उधर गाड़ियाँ रफ चलती है, आपका ब्रेक लाइट नहीं जलेगा तो आपके पीछे कोई ठोक भी सकते हैं, हादसा हो। लिट्टी, ये घी में का लिट्टी है और चोखा है, तो ये हमारा बिहार का फेवरेट डिश है, तो खाते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों हम अभी है चिचोला, और चिचोला में गाड़ी का काम करवाना है, लाइट वाइट गड़बड़ा गया है, जल नहीं रहा है, मतलब चार लाइट में दो फुल में कट गया है, दो डिम में कट गया है। तो ये है आलम भाई का इलेक्ट्रीशियन दुकान, तो इनसे ही काम करवाएंगे, थोड़ा बहुत लाइट का नट वट भी गड़बड़ा गया है, टूट गया है, और वो देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। दोस्तों हमारे पीछे ये होटल देख रहे हैं, पहले का वो होटल है, होटल अभी टूट के नया बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे तो अब होटल नहीं है, बाकी इलेक्ट्रीशियन है, होटल अभी बन रहा है, होटल चालू नहीं है, तो आप देखते हैं खाना वाना का जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा। बगल में उधर धर्मेंद्र का चाय दुकान है, चलते हैं, और ये भाई लोग खाना यहाँ बना रहे हैं, तो देखेंगे अगर ज़्यादा होगा तो बना के खिलाएंगे ना भाई आप लोग, खिलाइएगा थोड़ा, इधर तो खाने का व्यवस्था नहीं है, होटलें बंद है, हम कुछ लिया ही नहीं है खाना बनाने का समय। चलते हैं दोस्तों काम करवाते हैं। हेडलाइट गड़बड़ा गया है दोस्तों, इसमें से एक बल्ब कट गया है डिम का, और एक फूल का कट गया है, ये सब नटे टूट गए हैं, देख रहे हैं ये सब खराब हो गया है, सब अलग से ड्रिल से छेदा करके फिर लगवाना पड़ेगा, लाइट कमजोर हो जाने से गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है नाइट में। चलते हैं थोड़ा धर्मेंद्र के होटल में, तो जा रहे हैं धर्मेंद्र के होटल में, तो थोड़ा उसके पास चाय वाय पी के आते हैं। दोस्त है हमारा, बहुत पुराना दोस्त है, पहले ड्राइवर ही था लेकिन अब यहाँ आके सेटल हो गया। ये वाला होटल जो है, ये जो पीछे बन रहा है, ये होटल उसने 4-5 साल चलाया, उसके बाद होटल जमा नहीं भाड़ा का था तो छोड़ दिया, तो उधर बाजू में अपना होटल खुद का कर लिया है। ये है धर्मेंद्र का होटल, चलिए आपको दिखाता हूँ। कहाँ है जी धर्मेंद्र? ये धर्मेंद्र जी का होटल है, कहाँ पर है? पीते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये हमारा धर्मेंद्र भाई का होटल है, वो कहीं बाहर गए हैं काम से, आते हैं तो अभी तो हमको रहना है, 1-2 घंटा मुलाकात हो जाएगा। यहाँ पे लिट्टी फेवरेट है, तो पहले लिट्टी खाते हैं, तो और लिट्टी दिए तो व्यू में डुबा के। धर्मेंद्र भाई आ गए बाइक से, शायद तो पानी लाने गए थे, पानी लाने गए थे क्या? पानी लेके आ गए, यही है हमारे संगत यार। लिट्टी, ये घी में का लिट्टी है और चोखा है, तो ये हमारा बिहार का फेवरेट डिश है, तो खाते हैं दोस्तों। घी में डुबाया हुआ लिट्टी है, देखिए लिट्टी का टेस्ट घी में ही बढ़िया होता है, लिट्टी घी में डुबाई। हमारा नाश्ता हो गया, लिट्टी नाश्ता नहीं, वो खाना है, लिट्टी का नाम नाश्ता है लेकिन लिट्टी नाश्ता नहीं है, वो खाना है, तो समझिए खाना खा लिए लिट्टी, और अब चाय पी रहे हैं दोस्तों, चाय भी बढ़िया बनाते हैं धर्मेंद्र जी के होटल में, चाय बढ़िया बनता है। चलते हैं गाड़ी के पास। दोस्तों ये है शंकर बिहारी होटल, आपको पहले हम बता रहे थे वीडियो में, तो ये नया पहले होटल यहाँ होता था, अभी तोड़ के इसको पीछे करके और बढ़िया से बनाया जा रहा है, वो कारण है कि हर एक चीज़ का डेवलप हो रहा है, तो होटल भी भाई डेवलप होना चाहिए, अब बढ़िया से बनाना चाहिए, ड्राइवर को सुविधा मिलना चाहिए। तो ये देखिए बन रहा है, पहले 30-40 साल पुराना होटल था, तो थोड़ा पुराना टाइप का था, अब नया टाइप का बन जाएगा, अब बढ़िया स्ट्रक्चर बना, पहले से बड़ा होटल बन रहा है। ठेकेदार जी हैं, बढ़िया से बनाइए, ड्राइवर लोग को आराम मिलना चाहिए, आरामदायक बनाइए, बिल्कुल थोड़ा ऊंचा करके बनाइएगा, धूप के दिन में ड्राइवर लोग आराम से सोएंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी के पास, अब तो होटल चालू होता तो खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, तो होटल तो बंद है, हम सोच के आए कि होटल चालू होगा वहीं नहाएंगे धोएंगे, कोई बात नहीं, आगे चल के नहा धोवा लेंगे, और अगले चक्कर आते आते होटल चालू हो ही जाएगा दिवाली के बाद लेना। हाँ तो ठीक है, चलते हैं थोड़ा गाड़ी को देखते हैं। पार्किंग लाइट लगा है पूरा ग्रीन ग्रीन, राइट साइड में ग्रीन लग रहा है और लेफ्ट साइड में रेड, ये बैक में भी लग रहा है, वो ऊपर में ग्रीन ग्रीन रहेगा, नीचे रेड रेड रहेगा, मतलब ऊपर वाला पार्किंग में रहेगा, नीचे वाला ब्रेक में रहेगा, इस साइड रेड रेड लगा है, देखिए वो रेड है, वो भी रेड है उधर आगे, तो लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गया था। महाराष्ट्र में बॉम्बे की तरफ जाना है तो पार्किंग और ब्रेक महाराष्ट्र में काम करना चाहिए। हमारे ड्राइवर भाई से निवेदन है, जब भी गाड़ी अब साउथ में ले जाए ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, उधर तो उधर भाई गाड़ी में आपका लाइट परफेक्ट होना चाहिए, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, क्यों उधर गाड़ियाँ रफ चलती है, आपका ब्रेक लाइट नहीं जलेगा तो आपके पीछे कोई ठोक भी सकते हैं, हादसा हो सकता है, तो सावधानी के लिए गाड़ी में ब्रेक और पार्किंग लाइट बना के जरूर रखिए। हम लोग भी बॉम्बे जा रहे हैं तो उधर गाड़ी थोड़ा स्पीड चलती है, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट सब जलना चाहिए, उससे क्या गाड़ी का आइडिया लगता है कि गाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर ब्रेक मार रहा है, अब वही पार्किंग वार्किंग नहीं रहेगा, रात को पता ही नहीं चलता है कि वह गप से जाएगी गाड़ी, सामने गाड़ी दिख रही है, तो ये होता है। दोस्तों अब चलते हैं, गाड़ी को रिवर्स करवाते हैं और बैक करके निकालते हैं, चलते हैं दोस्तों, यहाँ से गाड़ी निकालते हैं।
दोस्तों हम लोग आ गए फिर, अभी गाड़ी को यहीं लेके आ गए। देखिए बाहर में गाड़ी खड़ी है हमारी, तो चाय पी लेते हैं दोस्तों। यहाँ से चाय पीकर फिर निकलते हैं और चलते हैं आगे। देवरी बॉर्डर आएगा, बॉर्डर पार करेंगे, उधर पप्पू होटल पे जाके नहाएंगे धोएंगे, फिर लाइट जलने के बाद नागपुर पार करेंगे। और ये उस्ताद, इनका भी गाड़ी है, कहाँ का माल है? कलवान का, नासिक। कलवान कहाँ से लौट गया है? जिंदल से। अच्छा, रानी हट्टी जिंदल हमारा से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उस्ताद, नासिक जाएंगे कलवान। तो चाय पी लेते हैं दोस्तों, यहाँ से चाय पीकर फिर निकलते हैं और चलते हैं आगे। देवरी बॉर्डर आएगा, बॉर्डर पार करेंगे, उधर पप्पू होटल पे जाके नहाएंगे धोएंगे, फिर लाइट जलने के बाद नागपुर पार करेंगे। ये है दोस्तों घी वाली चाय, देखिए कितना ऊपर में घी दिखाई दे रहा है। पीते हैं दोस्तों घी वाली चाय। चाय पीते हैं दोस्तों। वाह, सुपर चाय। चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, और दोपहर के 2 बज रहे हैं दोस्तों। हम लोग आ गए हैं महाराष्ट्र बॉर्डर। ये है महाराष्ट्र का देवरी चेक पोस्ट, और यहाँ पे काटा करवाने के लिए हम लोग लाइन में लगे हैं। काटा करवा के फिर उधर जल पानी चढ़ा के फिर निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों काटा करवाते। दोस्तों ये आ गया काटा, और इसी कांटे पे काटा होगी गाड़ी। ये देखिए इसका चार्ज है 188.80 पैसा, मैंने 189 रुपया है हमको भरना पड़ता है सर्विस चार्ज। तो हम लोग अभी देवरी में हैं, देवरी पार कर गए हैं, बॉर्डर वॉर्डर पार करके आगे आए हैं। ये एक बाजी का होटल है, तो चाय पीने के लिए और यहाँ रुके हम लोग। 3 बज गया है दोपहर का, और यहाँ से चाय और पी के निकलेंगे तो आगे पप्पू ढाबा पे रुकेंगे, फिर उधर से थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, फिर शाम को उधर से लाइट लगा के निकलेंगे। और इनका चाय बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम लोग यहाँ रुकते हैं चाय पीने के लिए। तो बन रहा है तो आते हैं, आएगा चाय तो पीते हैं। तो हमारा चाय आ गया, तो पीते हैं चाय। हाँ, इसमें मसाला डाला गया है, अजवाइन मंगरेल होता है ना, जो लिट्टी के मसाले में डालते हैं, इसमें डाला गया है अजवाइन मंगरेल। दोस्तों हमारा चाय हो गया, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और चलते हैं पप्पू ढाबा पर रुकेंगे। तो ये है देवरी घाट, और यहाँ पर जाम लगा हुआ है। हम लोग धीरे धीरे लाइन में बढ़ रहे हैं, पीछे तो रुके थे आधा घंटा तक, अब जाम लाइन खुला हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ रही है गाड़ियाँ। यहाँ अभी ये कंस्ट्रक्शन पे काम है, ब्रिज बन रहा है, इसी की वजह से जाम लगता है, क्योंकि काम होता है तो क्रेन इधर से उधर होती है, रोड बंद करना पड़ता है, इसके वजह से जाम हो जाता है। हम लोग आ गए हैं सकोली, ये है पप्पू होटल, इसको कलकत्ता होटल इसका नाम है, और पप्पू सेठो बैठे हुए हैं बगल में। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे ठाकुर है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते हैं, आज शुक्रवार है, नहीं तो परसों शनिवार हो जाएगा। और पप्पू सेठो आपको भी पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों ठाकुर के पास, और यहाँ ठाकुर हैं, दाढ़ी बनवा लेते हैं, फिर नहा धोवा लेंगे। ये टैंकी में पानी है बगल, चलते हैं यहाँ से निकलेंगे फिर। दोस्तों ये है ठाकुर, और देखिए दाढ़ी बनवाते हैं इन्हीं से, तो शोले का डायलॉग है, ठाकुर दाढ़ी बना दे। तो दाढ़ी बनवा के फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, और फिर चलेंगे नहा धोवा के। गाड़ी पे पानी वानी मार लेते हैं दोस्तों, पानी मार के फिर नहाते हैं दोस्तों। जरा चलता हूँ होटल में, और थोड़ा बदहजमी टाइप का हो गया, खट्टा ढेकार आ रहा है, एक स्प्राइट पीते हैं, शायद उससे ठीक हो जाता है। ये आ गया होटल। हाँ तो दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग नहा धोकर फ्रेश हैं, अभी है आपको मालूम है कलकत्ता होटल में, और यहाँ पे है ये किराना की दुकान, तो कुछ खाना बनाने का सामान ले लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या है, चावल कौन सा है, चावल दीजिए तो हमारा राशन हो गया, ये ले लिए हैं आटा चावल दाल, और गैस भी है, गैस भरवा लिए हैं, एक बार तो लेके नहीं जा सकते हैं, गैस फटेगा नहीं ना, ये इसको रख के आते हैं दोस्तों गाड़ी में, फिर गैस लेके जाएंगे। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं, पियेंगे और चाय, अपना कलकत्ता होटल है आपको मालूम है, और चाय पियेंगे यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। हम लोग को जाना है बॉम्बे डोलबी,
तो अभी भी ढोल भी यहाँ से मेरे ख्याल से 900 किलोमीटर है। 8 बज रहे हैं, अब हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए, अब चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, अब हम लोग कलकत्ता होटल पे थे, आपको तो मालूम ही है, अब चलते हैं। राशन पता ही सब कुछ ले लिए हैं यहाँ से, तो देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो खाना वाना दिन में बनाएंगे। और हम लोग बॉम्बे दोस्तों समृद्धि एक्सप्रेसवे से जाएंगे, तो चलते हैं, देखते हैं रात भर में कहाँ तक जाती है गाड़ी। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।